नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आप लोगों के साथ सूजी का एक बहुत ही नए तरीके का नाश्ता शेयर कर रहे हैं, जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं, आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबा के प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की टेस्टी, ईजी और हेल्दी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सूजी का ये टेस्टी सा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेना है आपने एक बड़ा सा बर्तन। इसमें डालेंगे हम यहाँ पर 6 चम्मच भुनी हुई सूजी। सूजी को आप एक पैन में डालें और ड्राई रोस्ट करें कुछ समय तक, जब तक उसके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो यहाँ पर मैंने भुनी हुई सूजी ली है, ये नॉर्मल जो हम घर में खाना खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उसी चम्मच से यहाँ पर मैंने 6 चम्मच सूजी ली है। सूजी की क्वांटिटी आप अपने नाश्ते के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सूजी जो मैंने ली है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है, कम से कम आपको डालना है 2 चम्मच बेसन, यानी कि 6 चम्मच सूजी में आपको 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करना है। ये रेशियो एकदम परफेक्ट है, इससे आपका नाश्ता जो है वो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। यहाँ पर 2 चम्मच बेसन मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। मैंने डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर जीरा मसाला, और इसके साथ डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, साथ में डाला है थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, इसी के साथ 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है जीरा। जीरे की जगह अगर आपको अजवाइन पसंद है तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चटनी, जिसे मैंने थोड़े से पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 2-4 हरी मिर्च और थोड़ा सा नींबू के रस के साथ बनाकर तैयार किया है। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश दही। यहाँ पर आपने फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करना है, खट्टे दही का इस्तेमाल आप नहीं करेंगी। तो ये दही जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट लेकर के आता है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने एक बहुत टाइट सा बैटर तैयार करना है। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला बैटर आप इसका बनाकर तैयार नहीं करेंगी। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ एक टमाटर लिया है और एक बारीक कटी हुई प्याज ली है। अगर आपके पास घर में और भी सब्जियाँ हैं तो आप वो भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बेसिक सब्जियों के साथ इसको बना रही हूँ मैं। अगर आपके पास शिमला मिर्च वगैरह या और भी कोई सब्जी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैंने फिर से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये देखिए इस तरीके का एक बैटर बनाकर तैयार किया है, यानी कि बैटर बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके का बैटर आपको बनाकर तैयार करना है। अब इसे ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो है सूजी वो अच्छे से फूल जाए। इसको रखे हुए लगभग जो है 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि सूजी जो है वो अच्छे से फूल गई है, लेकिन बैटर जो है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे हल्का सा पतला करेंगे। मैंने बहुत हल्का सा इसको पतला किया है, सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी इसमें मैंने डाला है। आप देख सकते हैं कि बैटर बिल्कुल इस तरीके का आपको चाहिए। अब यहाँ पर मैंने लिया है आटा ब्रेड, मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं और आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। मैंने अभी मार्केट वाला इस्तेमाल किया है, लेकिन घर के वाले की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा घर पर गेहूं के आटे का ब्रेड कैसे बनाते हैं। ये रेसिपी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं तो ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने आटा ब्रेड लिया है, मैदा का ब्रेड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये प्योर आटे का ब्रेड है, इसमें 1% भी मैदा नहीं है। तो आप जो भी ब्रेड लेकर के आएँ, इसका ध्यान रखें कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप अच्छे से देख लें कि उसमें मैदा मिली हुई ना हो। यहाँ पर अब जो ये बैटर हमने बनाकर तैयार किया है, हम इसको ब्रेड के एक तरफ इस तरीके से लगा देंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बैटर जो है ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि ज़्यादा मोटा कर देंगे तो उसको पकने में भी टाइम लगेगा और हो सकता है वो बीच से कच्चा रह जाए। तो बहुत हल्की सी लेयर यहाँ पर आपने लगानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर आप नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक साइड अच्छे से स्लाइस पर लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल, इसकी जगह पर आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसे जो है बिल्कुल बिना तेल के बनाना चाहते हैं तो आप तवे को हल्का सा ग्रीस करने के बाद टिश्यू पेपर से पोंछ दीजिए, उसके बाद भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऑयल में बनाएं, लेकिन इस तरीके से बना हुआ नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अब हम दूसरा भी बनाकर इस तरीके से स्लाइस तैयार कर लेंगे। मैंने बैटर लगा लिया है उस पर, और ये देखिए इसको भी हम जो है यहाँ पर इसी तरीके से पैन में रख देंगे।
और अब हम यहाँ पर ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल इनके ऊपर लगाएंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, और दूसरी साइड भी हम अच्छे से बैटर लगा देंगे ताकि दोनों साइड से ये अच्छे से जो है क्रिस्पी हो जाए। और जैसे ही उधर से हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो हम इनको पलट देंगे और हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो ये देखिए आप कितना अच्छा और क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। बिना ऑयल के भी आप इसे बहुत आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। सच मानिए ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। ईजी और सिंपल रेसिपी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अगर सुबह में आपको जल्दी है या हल्की फुल्की भूख जब भी आपको लगे तो आप इसे फटाफट बनाकर खा सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की टेस्टी ईजी और हेल्दी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।